वेलकम फ्रेंड्स, अगस्त महीना कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए लेकर आया कई बड़े तोहफे। होली पर कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफों की सौगात। डीए में जबरदस्त बढ़ोतरी के बाद अब 18वां बकाया डीए एरियर को भुगतान। फिटमेंट फैक्टर 2.57% से बढ़कर 3.5%। संसद में मोहर। 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर चला पीएम का जबरदस्त जादू। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारी और पेंशनभोगियों से संबंधित अपडेट और जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। देश भर के 65 लाख ज्यादा पेंशनभोगी हुए 55 लाख ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से आस लगाए बैठे थे कि सरकार उनके बकाया 18 माह डी एरियर को भुगतान जल्द से जल्द करेगी। आखिरकार इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। 18 माह के बकाया डी एरियर को लेकर सरकार ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। होने वाली कैबिनेट मीटिंग में एरियर भुगतान को लेकर मोहर लग सकती है। महंगाई भत्ते में आखिरकार बढ़ोतरी हुई कंफर्म। मौजूदा नियम की तरह एआई पे इंडेक्स के आधार पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार की तरफ से इसे जनवरी के आधार पर मार्च में बढ़ाया जाता था। जुलाई के महंगाई भत्ते का ऐलान होना बाकी है। AIGPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि इसमें इस बार 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से जुलाई के महंगाई भत्ते बढ़ने का इंतजार है, लेकिन इससे पहले सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर स्थिति साफ कर दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अक्सर ये चर्चा का विषय रहता है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी या नहीं। सरकार की तरफ से संसद में 8वें वेतन आयोग और वेतन में बढ़ोतरी पर विस्तार से बताया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़े सवालों का जवाब दिया। चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया था, जिसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। चौधरी से जब ये पूछा गया कि महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कैसे बढ़ेगी, इस पर उन्होंने कहा कि हर 6 महीने पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है।